हेलो मैं हूं हूँ किंजालकनी शारकर ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ये कट ऑफ हम तीन स्टेजेस में डिस्कस करने वाले हैं एक तो ऑल इंडिया कोटा में कितना कट ऑफ जाने वाला है एक तो स्टेट वाइज़ कट ऑफ और तीसरा होगा टॉप कॉलेज वाइज जैसे कि बी का कट ऑफ कितना जा सकता है एम्स का कितना जा सकता है जिपमर का कितना जा सकता है तो पहले देख लेते हैं कि इस बार हमारा कट ऑफ जो है वो घटेगा या फिर बढ़ेगा तो पहले देख लेते हैं फिजिक्स का जो पेपर था वो कैसा था वो ईजी पेपर था हाँ क्योंकि वो लेंदी भी नहीं था और फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ठीक है बिल्कुल सिर्फ एक असशन रीजन का क्वेश्चन था और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था तो वेरी इजी केमिस्ट्री में आया हमारा ट्विस्ट और ये मॉडरेट रेबल का पेपर था क्यों क्योंकि ये लेंदी भी था और कॉन्सेप्ट बेस्ड था लेंदी क्यों था क्योंकि बहुत सारे एसर्शन रीजन क्वेश्चन आपको मिलेगा केमिस्ट्री पोर्शन में बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ साथ मेनी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे और ये सारे के सारे कहाँ से थे एनसीआर से थे तो ये मत समझना कि मॉडरेट लेवल और ट्विस्ट का मतलब बाहर से आया है ये एन से ही आया है उसके बाद बायोलॉजी बायोलॉजी का पेपर तो बहुत ही इजी था बट लेंदी था लेंदी मतलब बहुत हद से ज़्यादा बेहद लेंदी था हाँ क्योंकि मेनी 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 एसर्शन रीजन क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये कहाँ से आया फिर एनसीआरटी से यह लेंदी था इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से है ये एन से ही है तो ये एनालिसिस से हमें तो ये लगता है कि फिजिक्स के लिए पेपर का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन केमिस्ट्री के लिए पेपर का कट ऑफ थोड़ा सा घटेगा भी ठीक है तो देख लेते हैं कि ट्वेंटी वन में ट्वेंटी ट्वेंटी में कितना था आफ्टर ऑल काउंसिलिंग सारे काउंसिलिंग हो जाने के बाद ठीक है आपका एग्जाम के बाद जो काउंसिलिंग हुआ था वो ढाई दो महीने तक चला था तो सारे के सारे काउंसिलिंग हो जाने के बाद ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे को लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री मिला था उनका मार्क्स कितना था उनका मार्क्स था 594. ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूं मैं ये सारे के सारे कट ऑफ जिसके बारे में बात करूंगी सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ होंगे ओके okay? देन उसके बाद हम 2020 और 2021 का रैंक वर्सेस मार्क्स को थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा आइडिया हो जाएगा ठीक है देखो रैंक में 720, 720, दोनों साल में आ चुके हैं पांच हजार में ही सेम है दस हजार में सिक्स ट्वेंटी फाइव दोनों साल में ही सेम है पंद्रह हजार में सिक्स हंड्रेड इलेवन सिक्स हंड्रेड टेन दोनों साल में ही सेम है अब देखो ये 625 और 610 के बीच में मार्क्स डिफरेंट डिफरेंस कि, कितना है 15 और रैंक डिफरेंस कितना है 5000 15 मार्क्स के लिए 5000 डिफरेंस ठीक है तो ये जो नीट 2021 था ना वहां पे क्या था वहां पे फिजिक्स का लेवल थोड़ा मॉडरेट था लेकिन केमिस्ट्री इजी था और बायो बिल्कुल लेंदी ही था ठीक है तो आप लोग सोच सकते हैं मतलब आप लोग जब अपना आ, ऐसा सोचेंगे कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा तब आप ऐसा कर सकते हैं कि नीट ट्वेंटी का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आप मान के चलिए 610 प्लस माइनस 5 610 प्लस माइनस 5 हालांकि पिछले साल की तरह इस साल भी अंटिल द लास्ट काउंसिलिंग ऑफ द ऑल इंडिया कोटा थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है मैं जो प्रडिक्शन कर कर रही हूं ना उससे भी थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं जैसे कि 594 पे लास्ट स्टूडेंट का एंट्री हुआ था ठीक है तो आपको मैं सेफ बता रही हूँ ठीक है सेफ बता रही हूँ सेफेस्ट बता रही हूँ टू बी वेरी स्पेसिफिक सेफेस्ट बता रही हूँ आपका स्कोर अगर सिक्स प्लस माइनस फाइव है और आप जनरल कैटेगरी में है तो आपका कोई गवर्नमेंट कॉलेज में आप एनरोल हो सकते हो दाखिल हो सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें इट इज सेफेस्ट स्कोर ठीक है दिस इज द सेफेस्ट स्कोर डन अब देखो ये तो हमारा ऑल इंडिया कट ऑफ हो गया ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज का अब स्टेट लेवल कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज अब देखो बहुत सारे स्टेट्स जिन हाँ है जिनमें कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में जनरल कैटेगरी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में लास्ट स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले पाए थे राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस में वो उनका मार्क्स था 631 हरियाणा का मार्क्स था 609 केरला का मार्क्स था 622 बिहार का मार्क्स और यूपी का 601 तो इस स्टेट के बच्चे थोड़ा अपना सोच समझ के जो करना है करो ठीक है उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ देख सकते हैं ईडब्ल्यू एस एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी देखो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना ये बिल्कुल ऑथेंटिक है ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है कि यहाँ पे क्यों नहीं है यहाँ पे ईडब्ल्यू एस का एनरोलमेंट नहीं हुआ था तो मैं कैसे लिख दू यहाँ पे यहाँ पे एनआरआई का एनरोलमेंट नहीं हुआ था तो मैं कैसे लिख दू वहां पे है ना तो ये है हमारा डेटा डन अब देखो बहुत सारे अलग सा आ, स्टेट भी होता है ये ह, ये तो हो गया हमारा हाईकोर्ट ऑफ स्टेट बहुत बाकी स्टेट्स जो होते हैं उनमें से मैंने कुछ स्टेट्स को यहाँ पे आ, आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया देखो मध्य प्रदेश 551 जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूं मैं ठीक है और गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट बंगाल फाइव पंजाब 571 महाराष्ट्र 557 गुजरात 573 गोवा 515 असम 532 छत्तीसगढ़ 569 अब देखो इनमें से गोवा का गोवा का कट ऑफ सबसे कम है ओके सो दो स्टूडेंट्स फ्रॉम गोवा यू आर काइंड ऑफ यू कैन चिल एंड रिलैक्स इफ यू आर अबाव फाइव फिफ्टीन ओके देन ये तो हमारा स्टेट वाइज कट ऑफ हो गया और ये अगला साल मतलब पिछले साल सॉरी अगला नहीं पिछला साल 2021 का कट ऑफ है अब यहाँ पे अगर आपको 2022 का प्रेडिक्शन लगाना है तो इससे प्लस माइनस फाइव कर लो ठीक है प्लस माइनस फाइव के बीच में अगर ये जो स्कोर्स है जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूं ये जो स्कोर्स है इनके साथ प्लस माइनस फाइव करके आपका अगर स्कोर है देन यू आर सेफ ठीक है सेम गोस फॉर ओ बी सी ईडब्ल्यू एस एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एन आर आई एवरी वन ठीक है अब हम देख लेते हैं टॉप कॉलेजेस का कट ऑफ नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्या था देखो बी एच यू में जनरल कैटेगरी में सिक्स सेवेंटी नाइन था एम्स में एम्स मतलब एम्स दिल्ली एंड ऑल द अलायड एम्स सबको इंक्लूड करके सिक्स ट्वेंटी तक गया था कट ऑफ ए एमयू पौडीचरी और जिपमर और एक ब्रांच है इट इज अ वेरी वेरी हाई कट ऑफ यार इट इज अ वेरी हाई कट ऑफ देखो जिपमर का कट ऑफ देखो आप वेरी वेरी हाई कट ऑफ वेरी हाई कट ऑफ सो स्टूडेंट्स जो जिपमर के लिए एम कर रहे हो तुम्हारा मार्क्स मतलब इससे पांच जोड़ लो या फिर पांच घटा लो तो आप मतलब ये ड्रीम देख सकते हो कि तुम जिपमर मार में दाखिल हो जाओगे ठीक है उसके बाद जिपमर के जो होता है आ, करियाचाल आई थिंक प्लेस का नाम है उनका 623 614 629 ऐसे करके कट ऑफ से ठीक है तो ये तो हमने कट ऑफ तो देख लिया और कट ऑफ क्यों घटेगा ये भी देख लिया क्यों बर भी सकते हैं ये भी देख लिया ठीक है डिटेल so, मेशन मैंने दे दिया है अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो जाके वहां पे ये पीपीटी अपलोड हो जाएंगे ठीक है और ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई से डेली यूट्यूब चैनल पे इस यूट्यूब चैनल पे ट्यूटर नीट चैनल पे आपका लाइव क्लासेस होंगे किसका मैं लूंगी बायो और केमिस्ट्री का लाइव क्लास और शिवम अरोरा सर लेंगे फिजिक्स का लाइव क्लास ठीक है डेली लाइव क्लास होंगे ठीक है और फुल सिलेबस हम कवर करेंगे और कैसे चलेंगे इसका मास्टर प्लान में लेके आ रही हूं बहुत ही जल्दी कल शायद मैं वीडियो अपलोड करूंगी या फिर लाइव आके बता दूंगी ठीक है उसके बाद कैसे होंगे क्लास हमारा एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट्स क्योंकि हमने देखा पेपर तो एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आ रहा है ना राइट right. तो एनसीआरटी प्लस कॉन्सेप्ट लर्निंग क्योंकि आपका इस साल का पेपर कॉन्सेप्ट आप कितने अलर्ट रहते हो यह भी चेक किया उन्होंने तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे देखो हम पहले सिलेबस बहुत अच्छे से करेंगे नीट 2023 के लिए मैं बता रही हूँ तो नीट 2023 के लिए हम सिलेबस तो बहुत अच्छे से करेंगे ऐसा नहीं कि ड्रॉपर हो या फिर ड्रॉपर अगर नहीं भी हो तो कोई भी बच्चा रूट लेवल से समझ सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि ड्रॉपर है इसका मतलब हम ऊपर ऊपर करके सिलेबस को कवर करेंगे ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे बस स्पीड भी बना के रखना है हमको क्योंकि अगले साल मई महीने में ही आपका एग्जाम होने वाला है इस बार पोस्टपोनमेंट पोस्टपोनमेंट गेम में मत फंसना ठीक है तीन साल लगातार आप लोग पोस्टपोनमेंट 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 पोस्टपोन नीट इन सभी में हम लोगों ने लगे रहे कुछ फायदा हुआ क्या जब एग्जाम होना है तभी हुआ ठीक है तो सितंबर 12 को और सितंबर थर्टीन को 2022 और 2021 में एग्जाम हुआ था उसको खींच के जुलाई तक ले आया और अगले साल उसको खींच के मई में, में ले जाएंगे ठीक है मेरी बात आप लोग सुन के रखना मैंने बोला था ना अपने शॉर्ट्स में कि सेवेंटींथ को ही एग्जाम होगा आप इधर उधर का आ, मतलब डिस्टरबेंसेस में कान मत दो डिस्ट्रैक्ट मत हो और पढ़ाई करो और एग्जाम हुआ है कि नहीं हुआ ना तो मेरी जो प्रडिक्शन होती है कैन थिंग्स थिंग्स वेरी वेरी वेल क्योंकि आई ऑब्जर्व वेल और बहुत सारे रिसर्च करके मैंने ये आपका जो स्लाइड्स मैं आपके सामने ला रही हूँ ना बहुत रिसर्च करके मैं ला रही हूँ ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी करके मैंने लगा दिया ओके okay, बहुत रिसर्च लगती है उसके बाद ये जो क्लासेस के पिपिटीज होंगे ना और डिटेल नोट्स होंगे ये आपको टेलीग्राम चैनल में हर क्लास के अपलोडेड मिलेंगे लेकिन यूट्यूब में तो पर हो कोई बात नहीं हम आ, मैं और शिवम सर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो आप चाणक्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो फॉर ड्रॉपर ऑन द फंडू ट्यूटर प्लेटफॉर्म ये भी 25 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है डेली जूम इंटरक्टिव क्लासेस होंगे फिजिक्स का एक क्लास केमिस्ट्री का एक क्लास बायो का एक क्लास ऐसे होंगे डेली फुल सिलेबस कवरेज होंगे बिल्कुल वैसे ही एनसीआर को कवर करेंगे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और डीपीपी दिया जाएगा डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे वीकेंड पे ठीक है और मेंटरशिप सेशन भी होंगे और मॉक टेस्ट भी होंगे ठीक है और इस चाणक्य बैच के बारे में अगर आपको जानना है सब कुछ तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है फॉन्डू ट्यूटर वेबसाइट का वहाँ पे जाके आप अपना खोज कर सकते हो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो लाइक like करो जरूर और शेयर करो फैला दो आग की तरह सब सब में अपने दोस्तों में ठीक है थैंक यू वेरी मच अगैन